नमस्कार। शिव का त्रिशूल जीवन के तीन मूलभूत आयामों को दर्शाता है। त्रिशूल के तीन शूल को रुद्र, हर और सदाशिव कहा जाता है। योग परंपरा में इन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहते हैं। योग संस्कृति में सर्प कुंडलिनी का प्रतीक है। यह हमारे भीतर की वह ऊर्जा है जो अप्रयुक्त है। कुंडलिनी जब स्थिर होती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि उस ऊर्जा का कोई अस्तित्व है। केवल जब कुंडलिनी की स्थिति में हलचल होती है तभी इस शक्ति का आस्वाद मिलता है। कुंडली मारकर सर्प स्थिर अवस्था में ही होता है जब तक कि वह सर्प आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को हम तब अनुभव कर पाते हैं जब वह कुछ गति करे या चेष्टा करे। शिव के साथ सर्प को दिखाने का यही कारण है। यह दर्शाता है शिव की ऊर्जा शिखर तक पहुंच चुकी है। सर्प एक रेंगने वाला जीव है लेकिन कुछ तो बात है इसमें कि शिव ने उसे अपने सिर पर धारण किया है। कुंडलिनी जागरण साधना है किंतु शिव भक्ति शिव मंत्र भी कुंडलिनी पर सकारात्मक प्रभाव करते हैं। शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय हमारी इस आंतरिक ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव करता है। तो चलिए आज हम शिव की भक्ति और शिव के पंचाक्षर मंत्र के साथ अपने चक्र और कुंडलिनी से जुड़े। सर्वप्रथम अपने मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के स्थान पर मन को केंद्रित करें। मूलाधार जहां कुंडलिनी अप्रयुक्त ऊर्जा स्थिर है और स्वाधिष्ठान जहां इस ऊर्जा के जागरण का पहला संकेत अनुभव होता है। मन का अवधान मूलाधार और स्वाधिष्ठान पर बनाए रखे। मन के भीतर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। मन को मूलाधार और स्वाधिष्ठान पर केंद्रित करते हुए शिव पंचाक्षर मंत्र जाप करें। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय।
शिवाय। अब मन का ध्यान मणिपुर चक्र पर ले जाए। मणिपुर चक्र के स्थान पर नमः शिवाय इस मंत्र का तेज तत्व व्याप्त होने दे। शिव पंचाक्षर मंत्र की ऊर्जा को मणिपुर के स्थान पर अनुभव करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंत्र को पूरी सजगता से करें। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अब आगे यात्रा करते हुए अनाहत चक्र पर मन को ले जाए। मन का पूरा अवधान हृदय के स्थान पर बनाए रखे। अपने श्वासों के साथ शिव पंचाक्षर मंत्र को जोड़ दीजिए। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। आगे यात्रा करते हुए
विशुद्ध चक्र पर मन को ले जाए। अपने कंठकूप के स्थान पर अवधान लगाकर पूरी सजगता से शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अब आज्ञा चक्र के स्थान पर मन का अवधान लगाए। आज्ञा चक्र के स्थान पर सुवर्ण अक्षरों में शिव पंचाक्षर मंत्र का दर्शन करें। यह भैरव का स्थान है। शिव पंचाक्षर मंत्र का प्रभाव यहाँ कई गुना बढ़ जाता है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हमारा समग्र अस्तित्व शिव तत्व से सराबोर होकर नृत्य कर रहा है। Thank you.
स्थान पर एक शक्ति का पात होने का अनुभव हो रहा है। यह शक्ति सहस्त्रार के स्थान से नीचे की दिशा में प्रपात होते हुए हमारे सभी चक्रों से यात्रा करती हुई मूलाधार पर प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा प्रपात मूलाधार में सुप्त शक्ति अप्रयुक्त शक्ति में संचार सृजन कर रही है। इस स्थिति को केवल साक्षी बनकर निरीक्षण करें। क्या घटित हो रहा है? क्यों घटित हो रहा है? कुछ न पूछे, कोई जिज्ञासा न जगाए। यह केवल अनुभूति का समय है। दर्शक बनकर उसके दर्शन करें। हमारे समग्र अस्तित्व में इस समय केवल शिव पंचाक्षर मंत्र व्याप्त है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव पंचाक्षर मंत्र की ऊर्जा व्याप्त है। कुछ समय इसी ऊर्जा में बने रहे। सामान्य सांसों पर ध्यान दीजिए। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए और धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आ जाए।